आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी दादी ने मुझे 8 साल तक पोलियो ड्रॉप पिलाया। आप लोग पोलियो केंद्र नहीं पहुंचे। बताइए देवी जी, देवी मेरी दादी का सरनेम है। रिसेंटली मैंने एक्टर्स की लाइफ जर्नी पे रिसर्च करना शुरू किया, तो मैं अमिताभ बच्चन जी के बारे में पढ़ा था। उनको तो जानते होंगे सब लोग। हाँ, उनको नहीं जानते, मैं ना काटता। अब तो क्या ही फायदा, मतलब यार इनके बारे में पढ़ा था कि इनको ऑल इंडिया रेडियो ने ना रिजेक्ट कर दिया था ड्यू टू हिज वॉइस। कितनी आयरनी वाली बात है ना कि आज इनको इनकी आवाज की वजह से ही जाना जाता है ना। कितनी कमांडिंग अथॉरिटी वाली आवाज है, सुनने का मन करता है क्या कह रहा है आदमी, अपना काम छोड़ के इनका काम कर जाता है इंसान। लेकिन इसी वजह से लोग इनको अनाउंसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। आपको याद है 2020 में कोरोना आया था ना, तो दिल्ली मेट्रो ने स्पेशली हायर किया था कि अमित जी एक बार आप बोल देंगे ना कोरोना है, तभी ये बहन दिल्ली वाले मानेंगे। ऐसे तो ये मास्क नहीं पहन रहे हैं भाई, इतना ज्यादा मतलब इतनी डरावनी आवाज है ना। मैं तो नॉर्मल साउथ से गुड़गांव की तरफ मेट्रो पकड़ रहा हूँ, मेट्रो आंसर्स पहले इनकी आवाज आ गई, सुनिए कोरोना अभी क्या नहीं आ रहा है। नहीं क्या क्या, 4 लोगों ने तुरंत मास्क पहना है, 2 पहने हुए तो ऊपर से पहने हैं। अमित जी बोल दिए यार, एक को देखा अपने दोस्त को टपली मार रहा है, ये देवेंद्र जल्दी मास्क पहनो यार। अमित जी बोल दिए कोरोना नहीं गया है। डिजिटल इंडिया आया था याद है, मोदी जी ना जरिया थे बस। एक्चुअली में इन्होंने रेवोल्यूशन शुरू किया था दीवार पिक्चर से। आपको याद होगी फेमस डायलॉग है कि डागा साहब मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। डागा वुड हैव बीन लाइक कि ठीक है मैं अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। नहीं था उस समय फोन पे, अभी आते ही इन्हीं को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर उसका, कि अब आप ही बताएंगे 44 रुपए प्राप्त हुए। एक तो इनकी आवाज इतनी ज्यादा है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये खुद इंसान 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक खुद की आवाज सुन सकता है। एक याद है बचपन में हम लोग अपना चैनल एंटीना वगैरह ठीक करने चले जाते छत पे, वो ऐसे हिल जाता था, बंदर बंदर हिलाते थे, और हर फ्लोर पे बच्चा लगता था आया क्या आया क्या आया क्या, वो बोल रहा है नहीं आया नहीं आया नहीं आया। ये आदमी खुद अपने बंगलों पे ठीक कर लेता होगा, खुद ही जाकर के पूछ रहा है आया क्या चैनल आई। खुद सोनी टीवी पे चिल्ला के बोलते होंगे 7 करोड़ भाई। इतना ज्यादा इनको अनाउंसमेंट के लिए यूज किया था। कभी खुशी कभी गम पिक्चर है करण जौहर की, देखी आप लोगों ने, उसमें ना ऐसे वो बोलता है कि अमित जी लिसन आपको ना हाँ वो ऐसे ही बोलता है यार। आपको ना यहाँ पे शाहरुख चौपर से घर आएगा, नेक्स्ट डे हम लोग घर पे पार्टी रख रहे हैं, आपको बोल देना है पार्टी इनिशिएट करने के लिए माइक में एवरीबॉडी, दैट्स इट। इसके बाद कुछ नहीं बताया। उसके बाद ना वहां पे क्या होता है, पार्टी में लाइट जाती है और ये आते हैं और माइक लेके बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन दिस वन्स फॉर यू राहुल एंड फॉर यू माय लवली ऑफ फॉरगेट इट एवरीबॉडी। अब सबकी फट ली, करना क्या था, गुड्डा चिल्ला दिया यार। सब प्रेशर में आके गाना शुरू कर दिया से शावा शावा माहिया से, और ये आदमी बीट ड्रॉप नहीं होने देता है। इनको एक बार चिल्लाने को बोला था एवरीबॉडी पार्टी इनिशिएट करने के लिए, सब रिदम में गा रहे हैं बढ़िया से, सिंगर सब डांस कर रहे हैं, बीच में जाके फालतू में प्रेशर बना रहा है कबा। क्या हो गया यार। तुमने लिरिक्स सुना है भाई, 5-5 सिंगर लगे इसको गाने के लिए, पता है अलका याग्निक, उदित नारायण, सुदेश भोसले, अमित जी खुद। लेकिन इतना बड़ा आदमी जब गाना शुरू कर देता है ना, तो ऑडियंस भी 2 बार रिपीट करती है लिरिक्स को। सुना ही होगा आप लोगों ने ऐसे कि रूपते रा सोड़ा सोड़ा सोड़ तेरी पायल पायल। एक बार मैं समझ लिया था अमित जी फाड़ क्यों रहा है यार सबकी। एक तो डांस स्टेप देखा है, शाहरुख बेचारा नॉर्मल यूं यूं कर रहा है ना, इनका वाला डांस स्टेप ऐसा लगता है पेट से खाना निकालने आए। पहले तो धार बनाते अपने चाकू का, करो आंखों का काजल इश्क में जीना मरना एवरीबॉडी। ऐसे क्या फिट कहाँ ले गया। मुझे तो लगता है इनको कूल डाउन करने के लिए अलग आया नहीं कि अपना वर्स गया होगा, माही आवे आजा माही माही आवे आजा। उदित नारायण जल्दी से लिए डबिंग में कि मेरा वाला भी दे दे, माइक छीन के फिर से चिल्ला देगा ये। इनको पता है ऐसे कजरारे एक आइटम सॉन्ग है ना, उसमें कितना बढ़िया माहौल बनाती है ऐश्वर्या राय शायरी से शुरू करके ऐसे। तो उसमें बोलती है वो, सुना होगा आप लोगों ने कि ऐसी नजर से देखा जालिम ने उस चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की
देखा ना कितना बढ़िया माहौल इनिशिएट हो गया बढ़िया, लेकिन उससे मैं बस चश्मा उठाते वापस रख देते, मजा नहीं आया। और जैसे ही पीछे से दो लौंडे चिल्लाते हैं बवाल हो गया, रायता फैल गया, नाचना गमछा लगा गया, लग दे। भाई बहुत, मैं तो मतलब इनको ना गुजरात टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि अमित जी बोलेंगे तो लोग आएंगे इसी वजह से, और लोग जा रहे हैं क्योंकि टीवी पे आके एड में प्रेशर बना रहे हैं ये। आपने एड देखा होगा, एक बार तो आइए ना गुजरात में। मेरे घर वाले द्वारकाधीश का टिकट कराए हैं, उनका वृंदावन का प्लान था। दादी बोल रही है बुढ़ा तो नस फाड़ लेगा यार, 80 साल के हो गए, बीपी बढ़ रखा है इनका, ऐसे कौन चिल्लाता है। आप यकीन नहीं मारोगे, मेरी दादी ने मुझे 8 साल तक पोलियो ड्रॉप पिलाया। भाई एज लिमिट 5 होती है दोस्तों, क्योंकि प्रेशर बनाते थे। 2003 का वर्ल्ड कप चल रहा था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पूरा टेंशन वाला माहौल था, फाइनल एकदम हार रही थी इंडिया, बीच में आके एड में मुंह फुला के खड़े थे, आप लोग पोलियो केंद्र नहीं पहुंचे। बताइए देवी जी, देवी मेरी दादी का सरनेम है। उनको लगा पर्सनली बोले, मुझे मेरे भाई को हाथ पकड़े तुरंत लेके गई हैं। बीच में दादा जी कह रहे वो तो बड़ा हो गया, उनके मुंह में 2 बूंद डलवा दी, आप चुप रहिए। अमित जी बोले ना, इतना पोलियो ड्रॉप पी लिया हूं, साला पोलियो छोड़ो घटिया नहीं होगा जिंदगी में। भाई केबीसी के होस्ट ने देखा आप लोगों ने, केबीसी के होस्ट जैसे मधुर आपका होस्ट है अभी, तो होस्ट का काम होता है सामने वाले ऑडियंस को कंफर्टेबल कर देना, उसने आप लोगों को कर दिया होगा कंफर्टेबल। ये इतना भारी भारी हिंदी शब्दकोश यूज करते हैं ना, हिंदी वोकैबुलरी इतनी भारी है इनकी कि आगे की फट जा रही है लोगों की। भाई इंट्रो में ही फाड़ दे रहे हैं, वो बंदा हॉट सीट पे बैठने से पहले अपने दोस्त से मोटिवेट हो रहा है, उसका दोस्त बोल रहा है भाई इट्स जस्ट अ नॉर्मल गेम, नॉर्मल सा गेम है, किस खेल पैसे जीतेगा घर आएगा। इंट्रो ही इतना भारी कर देना अगले की फट जा रही है, आते ही बोल देते हैं स्वागत है आपका इस अद्भुत अविश्वसनीय खेल में। वो वापस से फोन लगा रहा है, देवेंद्र ये तो नॉर्मल गेम नहीं है बे, ये तो साला अद्भुत गेम है, इसको कैसे खेले। अद्भुत आप कैसे बोल सकते हो, नॉर्मल से गेम को सीधा बना है, क्विज बीच में तलवार जा रही है तब डालना चाहिए, हाँ अद्भुत है ये। नॉर्मल क्विज ही तो है यार, नॉर्मल खेल लेंगे यार। मेरे को लगता है लोग इनके इसीलिए मजे ले लेते हैं जब ये इंटरव्यू देने जाते हैं। जैसे देखा कपिल शर्मा शो आता था, उसमें 2-3 कैरेक्टर्स वो साड़ी पहन के आते थे गुत्ती गुत्ती, तो उसमें आकर के ना कुछ भी सवाल पूछ देते हैं रैंडम। तो अमित जी से भी ऐसे पूछ लिया था एक ने कि अमित जी एक बात बताओ, जब आप नहाते हो बाथरूम में तो साबुन फिसल के गिरता है क्या? अमित जी वाज लाइक कि इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा हूँ कि साबुन से ना नहाना पड़े। मेरे घर में बाथटब है, शावर जल है, तेरे मुंह में डालो लाइफ बॉय साबुन भूल-भुले छोड़ेगा। इनको बहुत टाइम से देख रहा हूँ यार, एक तो चिल्लाने का क्या गजब फेटिश है यार इनका, ऑलरेडी आपकी आवाज बुलंद है, इस पे चिल्लाओगे तो फट जाती है हमारी। आप समझ रहे हो, मोहब्बतें पिक्चर देख रहा था मैं, उसमें 500 लड़के होते हैं गुरुकुल में, और ये एज अ प्रिंसिपल नारायण शंकर डेली अटेंड करते हैं, इनको माइक ही नहीं दिया है बिना माइक के, क्योंकि उस टाइम के डंबलडोर थे ये। समझ रहे हो, मतलब उसमें क्रू वाले ने लेके आया था माइक, आदित्य चोपड़ा डायरेक्टर वाला पागल है क्या, बच्चों के कान फट जाएंगे, हड़ा वहां से, और वो खुद ही जाके पीछे से साउंड टेस्टिंग कर रहा था। अमित जी एक बार बोल के सुनाई तो लास्ट तक आवाज आ रही है क्या, वहीं से चिल्ला रहे हैं परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, बोले थोड़ा और तेज बोलिएगा तेरी माँ का। आगे अमित जी, मूवीज ऐसे एज एन इंडियन हम लोग पिक्चरों को अपने लाइफ में अडेप्ट करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। मैं तो आशिकी 2 मूवी देख रहा था, उसमें आरजे होता है राहुल जैकर अपने आरोही के घर के पास खड़ा होता है, उसके पापा यूएस से कॉल करते हैं और कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसे होता है कि हे कैसा है बेटा, ये बोलता है अच्छा हूँ डैड, इनफैक्ट काफी खुश हूँ, ये बोलता है हे आर यू इन लव बेटा, मैंने बोला अच्छा अच्छा को पता कैसे चला लड़का प्यार में है, ये भी कंफ्यूज था, आपको कैसे पता चला डैड, अरे तेरा बाप पगले। मैंने बोला तो बहुत प्यारा कॉन्वर्सेशन है यार, अपने पापा पे ट्राई करता हूँ। मेरे पिताजी गोरखपुर से हैं। ठीक 2 दिन के बाद से उनका कॉल आया, बातचीत कुछ ही हुई है। अब भाई क्या चल रहा है? मैंने बोला कुछ नहीं पापा, जॉब चल रही है और काफी खुश हूँ। कहते रात में नशा वशा कर रहे क्या तुम लोग? खुश कैसे बहन जो। All right guys, thank you so much. Please welcome back yours, Madhur. My name is Rishabh.